हेलो गुरु विद्यार्थियों, मनोज सर द्वारा संचालित आपकी गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सपोजर। रेडिएशन यूनिट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को ये समझना है क्या होता है। देखो, ऊपर से अपने पास में है रेडियो एक्टिव एटम, उससे निकल रही है रेडिएशन। रेडिएशन किसके साथ इंटरेक्शन कर रही है? एयर के साथ में। तो एयर के साथ में जो भी रेडिएशन का इंटरेक्शन है वो आपका कहलाता है एक्सपोजर। तो हुआ क्या कि इस सोर्स से निकली रेडिएशन, रेडिएशन निकलने के बाद में ये पहुंची एयर के पास, हवा के पास पहुंचेगी नीचे। अब हवा के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसके एटम्स हैं, उसमें देखो किसी भी एटम की बेसिक संरचना क्या होती है, बाहर की तरफ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और अंदर की तरफ क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो रेडिएशन, रेडिएशन अपने आप में एक एनर्जी है। तो एनर्जी का काम क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने का। तो यहां पे जो आपकी रेडिएशन है वो आएगी और इस बॉन्ड को आपस में से तोड़ देगी। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और यहां पे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। बेटा इन्हीं को बोला जाता है चार्ज, चार्ज यानी आवेश, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो रेडिएशन आ रही है और एयर के अंदर चार्ज पैदा कर रही है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अपन क्या कहेंगे, ये जो एक्सपोजर होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा dQ/dm। सबसे पहले समझते हैं कि डी क्या है। बेटा डी का मतलब होता है चेंज। अगर चेंज बहुत बड़ा है तो उसको लिखते हैं डेल्टा से, चेंज छोटा है उसको लिखेंगे बेटा डेल से, और चेंज बहुत छोटा है तो इसको लिखेंगे डी से। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज यानी आवेश। आवेश कौन से, जो बताया भी, जैसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव आवेश। और यहां पे एम का मतलब क्या होता है, मास। देखो यहां पे माध्यम कौन सा काम में ले रहे हैं, एयर। तो यहां पे मास किसका आएगा, एयर का मास। तो अपन क्या कहेंगे कि जो एक्सपोजर होता है और डी क्यू और डीएम का क्या है बेटा, अनुपात होता है, क्वेशेंट होता है। और देखो जो अनुपात है इसमें बताना पड़ेगा कि डी क्यू और डीएम क्या है। डी क्यू है चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू, चार्ज का एक निश्चित मान, ठीक है, जैसे 2, 5, 8 ऐसे कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है। और डीएम क्या है बेटा, एयर का मास, क्योंकि माध्यम इसमें एयर काम में ले रहे हैं। दूसरी बात समझनी है कि देखो चार्ज की जो वैल्यू अपन ले रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव नेगेटिव, यानी आपके एक ही साइन के चार्ज होने चाहिए। तो देखो अगर एक ही साइन का चार्ज लेना है तो आप समझो कि मान लो यहाँ पे कोई आयतन है, वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर ये बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम यानी आयतन को छोड़ के बाहर चला जाता है, तो आपके जो डी क्यू यानी चार्ज की संख्या उसमें कमी आ जाएगी। अगर ऐसे कमी आ गई तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई, बिगड़ गई। तो इससे आपको क्या एक कंडीशन रखनी है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो उस आयतन को छोड़ के कभी भी बाहर ना निकलें। बेटा इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं कैसे कि देखो आपका जो सोर्स है, सोर्स यानी स्रोत, जो स्रोत रेडिएशन दे रहा है, बेटा जितना सोर्स जितना ज़्यादा पावरफुल होगा तो इससे निकलने वाली रेडिएशन उतनी ही पावरफुल होगी। तो देखो कि जो रेडिएशन जितनी पावरफुल होगी तो आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी उतने ही बनेंगे। तो यानी आपका जो एक्सपोजर होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, सोर्स पर। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे रेडिएशन से दूरी बढ़ती जाती है उसी तरह से इस रेडिएशन की तीव्रता कम होती जाती है। एक बेसिक सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, याद है बचपन में, K Q1 Q2 / R2। बेटा ये फॉर्मूला था फोर्स का। तो आप देखो इधर फोर्स है, इधर आर स्क्वायर है। बेटा ऐसे ना आमने सामने अगर इस बाई वाले साइन से, है ना, बटे का साइन होता है ना ये, तो इसके साइन के जस्ट नीचे अगर कोई चीज़ यहाँ ऊपर है या नीचे है, इसको बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा। और यहाँ पे इसका निशान लग रहा है पावर टू यानी स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लो। यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे भी कौन सा रूल लगता है, इनवर्स स्क्वायर लो, कि यानी सोर्स से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाती है आपका एक्सपोजर कम होता जाता है। तो इसकी दो विशेषताएं कौन सी होगी, पहली विशेषता ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स पर, और दूसरी जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जा रही है तो इनवर्स स्क्वायर लो के अकॉर्डिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ISL, तो ISL के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं बेटा
कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप इसको विशेषताओं में भी लिख सकते हो, पर लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली चीज, यह एक्स और गामा किरणों के लिए ही मान्य होता है। दूसरी चीज, जो एक्स और गामा किरणें होती हैं उनकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और तीसरी चीज, यह हमेशा किस में मापा जाता है? एयर के अंदर। तो आपके लिए इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक कैसे बनानी है देखो, कि किसके लिए एप्लीकेबल है? एक्स और गामा रेज के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक्स और गामा की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किस में मेजर होता है? केवल एयर के अंदर, ये देखो एयर, ठीक है, याद रहेगा। किस किस के लिए एप्लीकेबल है? एक्स और गामा रेज के अंदर एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किस में मेजर होता है? केवल एयर के अंदर। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं कि एक्सपोजर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों, जो समझना है कि इसका एक ही एप्लीकेशन है कि जो भी एक्सरे मशीन्स होती हैं, हालांकि रेडियोथेरेपी में भी अब तो हायर डोजेज आ गई, पहले भी रेडियोथेरेपी में जो आपकी रेडिएशन को मेजर करने के लिए एक्सपोजर टर्म काम में ली जाती थी, तो जो भी एक्सरे मशीन्स होती हैं अपने पास में, उसका आउटपुट निकालने के लिए आपके एक्सपोजर नाम से टर्म यूज करी जाती है। तो बात करें इसके यूनिट्स की, तो बेटा इसकी यूनिट कौन सी होती है, समझना ध्यान से। डी क्यू का मतलब बेटा चार्ज, तो चार्ज को किससे नापा जाता है? कूलाम से। और वहीं बात करें डीएम यानी मास यानी द्रव्यमान, इसको किससे नापेंगे बेटा? किलोग्राम से। तो यूनिट क्या बनी? कूलाम पर केजी। तो बेटा ये इसकी कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट कौन सी है? कूलाम पर केजी। दूसरी बात, इसकी एक स्पेशल यूनिट भी होती है जिसको कहा जाता है बच्चों रोंजन। तो क्या होता है, इसको कैसे याद रखना है समझना ध्यान से। तो रोंजन के लिए मैंने क्या लिखा, इसका फॉर्मूला देखते हैं बेटा क्या है। x इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एम, ठीक है। x क्या है? एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर किस किस के लिए होता है? x और गामा रेज के लिए। तो मैंने लिखा x एंड गामा रेज। बेटा क्यू, क्यू को किससे लिखा जाता है? कूलाम से। लेकिन सीजीएस पद्धति के अंदर इसकी एक और यूनिट होती है, उसको बोला जाता है ESU यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? 1 ESU। और एम मतलब मास, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? एयर का। तो बेटा वो अपने को फिक्स करना है, कितना? 0.001293 ग्राम। बेटा ये क्या है? एयर। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्स और गामा रेज की संख्या जो 0.001293 ग्राम एयर के अंदर एक ईएसयू का चार्ज पैदा कर सके, वही क्या कहलाती है? रोंजन। आगे बात समझ में? वापिस समझते हैं। देखो डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करनी है, फिर यहां से मूव होना है यहां पे, देन यहां पे। एक्सपोजर, एक्स और गामा किरणों की संख्या जो 0.001293 ग्राम एयर के अंदर एक ईएसयू का चार्ज पैदा कर सके, क्या कहलाती है? रोंजन। आगे बात समझ में? बेटा रोंजन की, रोंजन और इसकी सीजीएस यूनिट कौन सी है? कूलाम पर केजी। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो आपका एक्सपोजर है पूरा, उसको मैं ओवरव्यू करके बताता हूं। सबसे पहली बात, एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है x इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एम, डी क्यू और डी एम का अनुपात। क्यों, क्या है बेटा? चार्ज, चार्ज कौन सा? रेडिएशन आ रही है हवा के अंदर, एक बना है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, कुछ कोई भी एक साइन वाला चार्ज। m एयर का मास। आई बात समझ में? तो देखो आवेश को किससे लिखा? कूलाम से। द्रव्यमान किससे लिखा? किलोग्राम से। तो कूलाम पर केजी, क्लियर हुआ। उसके बाद में कहां चले कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो पहली बात, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, ISL के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सपोजर है वो भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तीसरी बात, किस किस के लिए मान्य है? एक्स और गामा रेज के लिए, एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहां मापी जाती है? एयर के अंदर। और अब ध्यान रखना है कि जो भी आपके रेडिएशन की वजह से निकलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन उस आयतन को छोड़ के बाहर नहीं निकले। और जहां तक बात हो रोंजन की, तो रोंजन के लिए क्या लिखा कि एक्स और गामा किरणों की संख्या जो 0.001293 ग्राम एयर के अंदर एक ईएसयू का चार्ज पैदा कर सके, क्या कहलाती है? रोंजन। समझ में आया? देखो मैंने लिखा एक्सपोजर, बेटा ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। बेटा एक्स मतलब किस किस के लिए मान्य है? एक्स एंड गामा रेज।
बेटा किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ एयर। बेटा कौन कौन से रूल करता है? ओबे करता है, ओबे मतलब पालना करता है। कौन सी की? इनवर्स स्क्वायर लो की, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है एक्सपोजर कम होता जाता है। बेटा किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पर। बेटा यूनिट क्या होती है इसकी? रोंजन। और यही आपका क्या है? एक्सपोजर। आ गई बात समझ में? इसी के साथ में आपकी रेडिएशन यूनिट का एक टॉपिक एक्सपोजर कंप्लीट होता है।